क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन आप एफएम नैरो बैंड और वाइड बैंड में कैसे फर्क पड़ता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज इक्वल टू की एफ इंटू ए एम डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एम। अब ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर लेस देन वन है तो वो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ठीक है। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन वन है तो वो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगी, ठीक है। जिसका मतलब है इसकी ज्यादा वैल्यू की इसकी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी फिर इसका कांस्टेंट की है और इस ए एम यानी कि मॉड्यूलेटर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है सिग्नल का जो मॉड्यूलेट कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादातर 3 किलोहर्ट्ज तक होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डेविएशन 75 किलोहर्ट्ज तक होती है। इसी तरह वाइड बैंड के केस में मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 30 से लेकर 15 किलोहर्ट्ज तक होती है और फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो 75 यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होती है बराबर होती है। अब बैंडविड्थ ऑफ वाइड बैंड जो होती है वो ग्रेटर देन होती है 15 टाइम्स नैरो बैंड से, ठीक है। ये 3 किलोहर्ट्ज तक है, आप आसानी से देख लें ये 15 किलोहर्ट्ज तक है तो काफी ज्यादा है, नॉर्मली 15 गुना ज्यादा होती है इसकी ना?